जब मैं मुजफ्फरनगर में दादून वैली पब्लिक स्कूल के प्रांगण में सभी छात्र छात्राओं द्वारा खरी कमाई दीपावली मेले का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। सभी छात्रों ने अपना उच्च प्रदर्शन दिखाया। मेले में अनेक प्रकार के व्यंजन, हस्त निर्मित दीपावली से संबंधित सजावट का सामान, विदेशी वस्तु, मनोरंजक खेल आदि स्टॉल छात्रों द्वारा लगाए गए। बच्चों ने राजस्थानी पोशाक में अतिथियों का अभिनंदन किया। मेले को लेकर सभी छात्र छात्राओं में उत्साह देखने को मिला। प्राइम वीकेंड न्यूज चैनल के लिए पवन अग्रवाल, मुजफ्फरनगर। जी, आपका नाम? ईवा गुप्ता। भाई, किस तरह का आज आपके स्कूल में आयोजन चल रहा है? हमारे स्कूल में दिवाली मेला खड़ी कमाई का आयोजन चल रहा है। ये हमारे क्लास वन और क्लास टू के बच्चों के द्वारा है। इसमें हम बच्चों को आत्मनिर्भरता के कदम की तरफ लेके चल रहे हैं कि हमें आत्मनिर्भर भारत, जो हमारे मोदी जी का भी है अभियान, उसी पे हम वर्क कर रहे हैं कि बच्चों को सिखा रहे हैं कि हमें आत्मनिर्भर कैसे बनना है। जितने टोटल प्रोडक्ट हैं वो रखे, क्या बच्चों ने बनाई है? हाँ, ये सब बच्चों ने अपनी मम्मी के साथ मिलके बनाए हैं। बच्चों के माँ बाप ने भी इसमें मेहनत की है, टीचर्स ने भी मेहनत की है। ये सब हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, सब बच्चों ने घर में बनाए, सेल करने के लिए ही है। बच्चे इसे बना के लाए हैं, बच्चों को हमने सिखाया कि कितने में प्रोडक्ट बना, कितने में आप इसे बेचेंगे और कितना आपने इससे कमाया, कितना प्रॉफिट आपने कमाया, वो सब हमने इन्हें सिखाया कि कैसे आत्मनिर्भर आप इससे बन सकते हैं, अपने आप बनाए, अपने आप बेचे। कब तक चलेगा ये? आज दोपहर 2 बजे तक। क्या मैसेज देना चाहती है बच्चों, पेरेंट्स को? या मैं बच्चों और पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को, पेरेंट्स को यही कहना चाहती हूँ कि आप सब अपने बच्चों को आत्मनिर्भर होना सिखाएं, उन्हें बताएं कि आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है आज के टाइम पे।